रानी संध्यावली का राजा को पुत्रवत के लिए उद्यत करना, राजा का मोहिनी से अनुनय विनय, मोहिनी का दुराग्रह तथा धर्मांधक का राजा को अपने वध के लिए प्रेरित करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, भूपते तदनंतर देवी संध्यावली ने पति के दोनों चरण पकड़ लिए, पकड़कर धर्मांधक के विनाश के संबंध रखने वाली बात कही। महाराज, आपकी ही भांति मैंने भी इस समय बहुत समझाया है, किंतु ये मोहरूप मोहिनी को इस समय दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। इसका एक ही आग्रह है, एकादशी के दिन राजा भोजन करे अथवा अपने पुत्र का वध कर डाले। नाथ, धर्म छोड़ने की अपेक्षा तो पुत्र का वध ही श्रेष्ठ है। राजन, गर्भधारण करने में माता को ही अधिक कलेश सहन पड़ता है और बालक पर उसी का स्नेह भी अधिक होता है। खेद और स्नेह जैसा माता का होता है वैसा पिता का नहीं हो सकता। राजेंद्र, इस भूतल पर पिता को बीज वपन करने वाला कहा गया है, माता उसको धारण करने वाली है, अतः उसके पालन पोषण में अधिक कलेश उसी को उठाना पड़ता है। पुत्र पर पिता से 100 गुना स्नेह माता का होता है, उसके स्नेह की अधिकता पर ही दृष्टि रखकर गौरव में माता को पिता से बड़ी माना गया है। किंतु नृपशेष आज में माता होकर भी सत्य के पालन से परलोक को जीतने की इच्छा रखकर पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे चुकी हूँ। भूपाल, स्नेह को दूर करके पुत्र का वध कीजिए। राजन, वे अपत्या भी धन्य है जो सत्य का पालन कराने वाली है। सत्य का संरक्षण कराने वाली होने से वे मनुष्य के लिए मोक्षदायिनी है। अतः पृथ्वी पते संतप्त होने से कोई लाभ नहीं है, आप सत्य की रक्षा कीजिए। राजन, सत्य के पालन से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए इस मोहिनी को कसौटी के रूप में उत्पन्न किया है, अतः भूपाल, आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्र का वध कीजिए। अपने सत्य पालन के उद्देश्य से मोहिनी के वचन की पूर्ति कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पत्नी की ये बात सुनकर महाराज रुक्मांधक ने मोहिनी के समीप रानी संध्यावली से इस प्रकार कहा, प्रिय पुत्र की हत्या बहुत ही बड़ी हत्या है, वह ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। कहाँ से कहाँ मैं मंदराचल पर गया और न जाने कहाँ से ये मोहिनी मुझे वहाँ मिली। देवी, ये स्त्री नहीं, धर्मांधक का नाश करने के लिए साक्षात काल प्रिया काली है। धर्मांधक धर्मज्ञ विनयशील तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है, अभी तक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। मैं ऐसे पुत्र को मारकर मेरी क्या गति होगी। देवी, कुपुत्र को भी मारने से पिता के मन में दुख होता है, फिर जो धर्मशील तथा गुरुजनों का सेवक है उसके मारने से कितना दुख होगा। वर वर्णिनी, इस समय तुम्हारे पुत्र के संताप से ही मैंने सातों द्वीपों के तुम्हारे पुत्र के प्रताप से ही मैंने सातों द्वीपों के राज्य का उपभोग किया है। अपना ये पुत्र धर्मांधक इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। मनोहारिणी, ये मेरे समूचे कुल का सम्मान बढ़ाने वाला है। सुंदरी मोहिनी मोह में डूबकर केवल मुझे दुख दे रही है, तुम पुनः शुभ वचनों द्वारा इसे समझाओ। अपनी प्रिया पत्नी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा उस समय मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुबह मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा और पुत्र की हत्या भी नहीं कर सकूंगा। अपने को और संध्यावली देवी को और से चीर सकता हूं। अपने को और संध्यावली देवी को आरे से चीर सकता हूं, अथवा तुम्हारे कहने से कोई और भी भयंकर कर्म कर सकता हूँ। सुभ्रु, पुत्र के संबंध में ये दुष्टतापूर्ण आग्रह छोड़ दो। बताओ, पुत्र धर्मांधक को मार देने से तुम्हें क्या फल मिलेगा। मुझे एकादशी को भोजन करा देने से तुम्हारा क्या लाभ होगा। वरानने, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ और सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। सौभाग्यशालिनी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। सुंदरी, कोई दूसरा वर मांग लो। देवी, मुझ पर कृपा करो, पुत्र की भिक्षा दे दो। गुणवान पुत्र दुर्लभ है और एकादशी का व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर गंगा जी का जल दुर्लभ है, भगवान विष्णु का पूजन दुर्लभ है तथा स्मृतियों का संग्रह भी दुर्लभ है, एवं भगवान विष्णु का स्मरण एवं चिंतन भी अत्यंत दुर्लभ है। साधु पुरुष का संग दुर्लभ है तथा भगवान की भक्ति भी दुर्लभ ही बताई गई है। वरवर्णिनी, मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण भी दुर्लभ ही है, ऐसा समझकर मेरा धर्म रक्षा विषयक वचन स्वीकार करो। मैंने सब विषय भोग लिए, निष्कंटक राज्य भी कर लिया, किंतु मेरे पुत्र ने तो अभी संसार की विषयों का सुख देखा ही नहीं है, अतः इसकी हत्या कदापि नहीं करूंगा। मोहिनी, अपने ही हाथ से अपने पुत्र का वध और इससे बढ़कर पाप और क्या होगा। मोहिनी ने कहा, राजन, मैंने तो पहले ही ये कह दिया है, एकादशी को भोजन करो और इच्छानुसार
बहुत वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते रहो, मैं पुत्र का वध नहीं कराऊंगी। एकादशी को तुम्हारे वजन कर लेने मात्र से ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। पृथ्वीपते, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है। राजन, यदि पुत्र प्रिय हो तो एकादशी के दिन भोजन करो। महीपाल, इस धर्म विरोधी विलाप से क्या लाभ? मेरी बात मानो और यत्नपूर्वक सत्य की रक्षा करो। राजन, मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी उस समय धर्मांतक वहां आ गए और मोहिनी की ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। विनीत भाव से बोले, भामिनी तुम यह लो मेरे वधरूपी वर को ही ग्रहण करो, इसके विषय में तनिक भी शंका न करो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात सत्य धर्म में स्थित हो राजा से कहा, पिताजी, अब आपको मुझे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। महाराज, आपने मेरी माता मोहिनी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर दिखाई। आपके हित के लिए मेरा मरना मुझे अक्षय गति देने वाला है और अपने वचन के पालन से आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होंगे। अतः पुत्र के मारे जाने का जो महान दुख है उसको त्याग कर अपने धर्म का पालन कीजिए। इस मत्स्य शरीर का त्याग करने पर मेरे भावी जीवन का आरंभ अमर देह में होगा। वह मेरा देह शरीर जब सब प्रकार के रोगों से रहित होगा, प्रभु, जो पुत्र पिता अथवा माता के हित के लिए मारे जाते हैं तथा जो गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भूमि, राजा, देवता, बालक तथा अर्थजनों के लिए प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यंत प्रकाशमय लोक में जाते हैं। अतः शोक संताप से कोई लाभ नहीं है। आप श्रेष्ठ तलवार से मेरा वध कीजिए, राजेंद्र, सत्य का पालन कीजिए और एकादशी को भोजन न कीजिए। मैंने अपने शरीर के वध के लिए जो बात कही है उसे सत्य कीजिए। महाराज, आपने मोहिनी को दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया है उसका पालन न करने से असत्य का दोष लगेगा। उस भयंकर असत्य भाषण के पाप से अपने को बचाइए।